समझ लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कंजर्व लीनियर मोमेंटम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसका कुछ मास होगा, मान लेते इसका मास जो है वो 10 kg है। अगर किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मूव कर जाएगा, मूव करेगा। मान लीजिए किसी ने बहुत जोर से ताकत लगाया है, इसको फोर्स लगाया, ये मूव कर गया 10 m/s की रफ्तार से, मतलब इतना इसमें स्पीड आ गया। अब मैं अगर आपसे कहूँ इस वाली क्वांटिटी को इस वाली क्वांटिटी से आप गुणा कर दीजिए, आपने 10 kg को 10 m/s से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, ये kg यहाँ आ जाएगा और ये m/s ये आ जाएगा। ये जो क्वांटिटी आया है इसी को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जब आप मास को वेलोसिटी से गुणा कर देते हैं तब जो आता है, जब मास को वेलोसिटी से गुणा करते हैं तब जो आता है उसी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम कई बार, अब लीनियर मोमेंटम तो बढ़ जाता ना हो गया, इसीलिए कई बार इसको मोमेंटम ही तक करके छोड़ दिया जाता है। अब हम समझते हैं।